नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ गलत बोल रहा हूँ, वो स्वस्थ रहें, वो मस्त रहें, मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ। लेकिन मैंने कहा एक दिन कि भाई वो भूलते हैं, उनको भूलने की आदत है, इसलिए मैंने कहा दिव्यांग पॉलिटिशियन। तो इसको बड़ा बखेरा खड़ा किया गया, और जिन्होंने अपने माता के तेरहवीं पर बार वाला नचाया, वो संस्कार की बात आकर टीवी में करने लगे। तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ उस दिन कि कम से कम इतना तो ज़रूर हुआ, बिहार में इतने बदलाव ज़रूर हुए कि आपके लाइब्रेरी में पड़ा होगा जो संस्कार की बात कर रहे थे, जरा अपना अपना लाइब्रेरी खंगाल लीजिएगा कि अपने माता की मौत के तेरहवीं पर बाल वाला वो बार वाला नचाने वाले लोग संस्कार की चिंता कर रहे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि संस्कार की बात भी अब वो लोग कर रहे हैं जिनके यहाँ लोग संस्कार कभी ढूंढने जाते थे। तो मुझे उन विषयों में आज नहीं जाना है, मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं केवल याद दिला देना चाहता हूँ नेता प्रतिपक्ष को कि 2004 से 2005 तक केंद्र में भी यूपीए की सरकार थी और बिहार के अंदर भी यूपीए की सरकार थी, उनकी यादाश्त थोड़ी सी वो भूलते हैं, इसलिए मैंने दिव्यांग पॉलिटिशियन उस दिन कहा था। और अगर चाह लिए होते तो यूपीए के अंदर ड्राइविंग सीट पर उनके पिताश्री बैठे हुए थे, अगर वो चाह लिए होते तो 2004 से 2005 के बीच बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता। इसका मतलब है कि 2004 से 5 के बीच बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, इसका मतलब है कि विशेष राज्य के दर्जा मिलने में कुछ अन्य भी तकनीकी परेशानी है जिसके कारण वो अपने कार्यकाल में नहीं दिला पाए, और जब एनडीए का कार्यकाल हुआ तो अपनी डफली पिटने का काम कर। देखिए बिहार में स्पेशल पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा का हम लोगों ने शुरू से मांग किया है, और हमारी माता जी जब मुख्यमंत्री थी तो उस समय में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो हम लोगों ने मांग किया था कि बिहार को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। अब जब केंद्र की सरकार है, अब जब डबल इंजन की सरकार है बिहार सरकार, तो स्पेशल पैकेज लाना चाहिए इनको, बिहार को स्पेशल स्टेटेज स्पेशल पैकेज देना चाहिए। पर जिस तरह से लगातार सकते हैं नीतीश कुमार, तो सामने अब दिख रहा है ना, अब जब खुलेआम इस तरीके का क्रिमिनल शब्द का और आतंकवादी शब्द का ये लोग प्रयोग करने का काम कर रहा है, ये तो सामने दिख रहा है, ये लोग का स्टेटस, ये लोग का स्टैंडर्ड दिख रहा है। और बिहार का जो इन लोगों ने बर्बाद किया पूरे तरीके से, नौजवानों का रोजगार छीनने का काम किया, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौजवान डर डर भटक रहा है, आधा से ज़्यादा नौजवान हमारे दरवाजे पे आते हैं फिर यहाँ आते हैं रोजगार मांगने के लिए। तो बिहार में तो पूरा हाहाकार मचा हुआ है पूरे तरीके से। श्रम संसाधन मंत्री जिवेश मिश्रा वो कह रहे हैं हम रोजगार देते हैं, आरजेडी सिर्फ ऐसी बातें करती है। क्या चीज आरजेडी सिर्फ ऐसे ही बातें कहती है? जिवेश मिश्रा जो मंत्री हैं, जिवेश मिश्रा जो है ना वो हमारे ऊपर तंज कसे थे, तो जिवेश मिश्रा है वो सुबाहु है, जिवेश मिश्रा जो सुबाहु राक्षस राम जी वध किए थे वही सुबाहु है, मारीचा सुबाहु आज लालू प्रसाद।